आला हजरत के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उनका व्यक्तिमत्व एक बड़ा ही जिसको हम करिश्मेटिक कहते हैं इस प्रकार का व्यक्तिमत्व है। उनके सारे कामों को अगर हम देखें, उनके विचारों को, व्यवहारों को देखें, उनके ज्ञान को देखें, तो एक व्यक्ति में इतना ज्ञान है कैसे हो सकता है, ये हमको आश्चर्य लगता है। और कई बार हम लोग यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना पढ़े स्वयं एक यूनिवर्सिटी बन जाते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम आला हजरत का व्यक्तिमत्व देखें तो अपने आप में वे एक यूनिवर्सिटी थे, एक ज्ञान का, नॉलेज का केंद्र थे। और चाहे वो शास्त्र हो, गणित हो, हर चीज में जिस प्रकार का ज्ञान उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया, और ये सब करते समय जिस प्रकार से